साथियों, इस वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर ILBS द्वारा संसद भवन में कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया। वर्चुअल के माध्यम से आयोजित इस ई कॉन्क्लेव पर विषय था, कोविड काल में आपका लीवर कैसे सुरक्षित रखें। केंद्र सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, देश के सभी चुने हुए माननीय सांसदगण, अधिकारीगण, इसके लिए मैं विशेष रूप से ILBS के डायरेक्टर डॉक्टर सरीन साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनका प्रयास रहता है कि किस तरीके से लीवर सुरक्षित रहे, और इसके लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उन उपायों का विस्तार पूर्वक उन्होंने उल्लेख किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में सभी माननीय संसद सदस्य वर्चुअल के माध्यम से जुड़े, देश भर के चिकित्सकगण जुड़े, आम जन की भागीदारी भी बनी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश की चुनी हुई सभी संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से लीवर सुरक्षित रहे उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक मिले इसके लिए व्यापक रूप से एक अभियान चलाया जाएगा। देश की 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व संसद करती है, इस नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि देश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और इसके लिए जन जागरण के रूप में एक सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि डॉक्टर सरीन जी के नेतृत्व में ये प्रयास सफल होगा और हम किस तरीके से लीवर सुरक्षित रख सकें इसके लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसको सुरक्षित रखने के व्यापक इंतजाम, उनके उपायों को पहुंचाने में सफल होंगे। पुनः ILBS की सभी पदाधिकारी, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं जो इस काम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।